हे वेलकम बैक गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 वेज टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामर बनना है तो इन 7 वेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन से वो 7 वेज है, चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट वे है मेक इट क्लियर व्हाई टू लर्न पाइथन। सो अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ पे करना है, आप पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखते हैं क्योंकि पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए इससे क्या होगा, आप पाइथन प्रोग्रामिंग तो सीखेंगे लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने का जो प्रोसेस है, उसका जो मजा है, वो आप मिस करेंगे। सो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज बहुत सारे फील्ड्स में किया जाता है। आपको चूज करना है कि आपको पाइथन का यूज कहाँ पे करना है, आप पाइथन क्यों सीख रहे हैं। आप पाइथन का यूज डेटा साइंस में कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी बहुत सारी फील्ड्स है जहां पे आप पाइथन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप पाइथन कहाँ पे यूज करना चाहते हैं। सो अगर आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा तो पाइथन सीखने का इंटरेस्ट आपका बढ़ा रहेगा। दूसरा वे है लर्न द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन क्यों सीखना है ये क्लियर है। सपोज आप पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए सीखना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर है। सो देखिए, सबसे पहले आप वेरिएबल्स सीखेंगे, कीवर्ड सीखेंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या है सीखेंगे, देन एस्केप सीक्वेंसेस, बहुत सारी कंसेप्ट आती है, डेटा टाइप्स लाइक लैंग्वेज स्पेसिफिक कंसेप्ट। इन चीजों को सबसे पहले आपको टारगेट करना है, सबसे पहले इन चीजों को सीख लेना है। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल के सिंटैक्स, कीवर्ड्स कौन से हैं। तीसरा जो वे है वो है से नो टू कॉपी पेस्ट। आपको कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना है कोड का। अगर आप सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिख रहे हैं तो वो आपको टाइप करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको कम सिंटैक्स एरर मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप खुद से कोड टाइप नहीं करते, तो आपको सिंटैक्स एरर आनी ही आनी है। देखिए, अगर आपको कोई एरर मैसेजेस मिलता है तो उस एरर मैसेजेस को डरना नहीं चाहिए। एरर मैसेजेस आर योर फ्रेंड्स। सो सपोज आपको आया जीरो डिवीजन एरर, तो जीरो डिवीजन एरर के सामने लिखा होता है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। सो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये आपका मैसेज है, वो आपको बता रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती को आप सुधार लीजिए। सो एरर मैसेजेस आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर फ्रेंड्स। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, आपका पूरा फोकस लॉजिकल क्वेश्चंस पे होना चाहिए। बहुत सारे पाइथन प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, बिल्ट इन चीजों पे फोकस करते हैं, वो लाइब्रेरी सर्च करते हैं, कौन सी लाइब्रेरी किस चीज के लिए यूज होती है। ये आपको इनिशियल स्टेज में नहीं करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है पूरा लॉजिकल क्वेश्चंस पे, डेवलप योर लॉजिक, अंडरस्टैंड कीजिए कंट्रोल सीक्वेंसेस को एंड कंडीशनल्स को। कंट्रोल सीक्वेंसेस में क्या आता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये लूप कैसे काम करते हैं। कंडीशनल्स में क्या आता है, इफ एल्स वगैरह। So, ये सब चीजें कैसे काम करती है, ये सबसे पहले आपको ठीक तरह से समझना है, क्योंकि इनका ही यूज होता है फॉर सॉल्विंग द लॉजिकल क्वेश्चंस। देन सॉल्व पैटर्न प्रोग्राम्स। अगर आपको आपका लॉजिक डेवलप करना है तो पैटर्न प्रोग्राम्स आप सॉल्व कीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पैटर्न प्रोग्रामिंग क्या होता है। पैटर्न प्रोग्रामिंग मतलब आपको एक पैटर्न दिया जाता है जहां पे आपको कोडिंग करके उस पैटर्न को प्रिंट करना होता है। लाइक ये सपोज पैटर्न है, मुझे कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। सो आपको आपका खुद का लॉजिक यूज करके इस पैटर्न को प्रिंट करना पड़ेगा। सो इससे क्या होगा, आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा। एंड साथ ही आपको सॉल्व करने कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, लाइक फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, प्राइम नंबर्स कैसे निकाला जाता है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग योर लॉजिक। सो मेन फोकस आपका लॉजिकल क्वेश्चंस पे होना चाहिए, नॉट ऑन द बिल्ट इन लाइब्रेरीज एंड बिल्ट इन फंक्शंस। फिफ्थ वे है कीप प्रैक्टिसिंग। अब इसमें आता है सॉल्व एक्सरसाइजेस। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी पाइथन रिलेटेड एक्सरसाइज मिल जाएंगी, सॉल्व कीजिए, रिवाइज व्हेन एवर यू गेट टाइम। थर्ड वन इज मेक योर ओन नोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद के नोट्स नहीं बनाते। आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है रिविजन के लिए। आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। सो खुद के नोट्स बनाना सीखिए। डिस्कस डाउट्स एंड कंसेप्ट विथ योर एक्सपर्ट्स। जो भी आपको टीचर है, कोई ट्रेनर है, आपको ट्रेन कर रहा है, सो वहां से आप डाउट्स डिस्कस कीजिए। ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए या नहीं, इस पे अभी भी सवाल है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन उनके साथ होता है जिनका मोटिवेशन एंड आपका मोटिवेशन सेम है। सो ग्रुप डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रुप भी वैसा होना चाहिए। देन पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉम्पिटिशन। अगर आप इनमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि इनका लेवल बहुत हाई होता है, और अगर आप बिगिनर है तो आप एग्जाम्स दीजिए, एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए। अब हमारा लॉजिक पाइथन के सिंटैक्सेस एकदम क्लियर है। सिक्स्थ स्टेज आता है लर्न लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स।
पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के बाद हमें लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क सीखने चाहिए। अब लाइब्रेरीज में बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज आती है। अब फ्रेमवर्क्स में देखिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क आप सीखेंगे जैंगो है। जैंगो है, फ्लास्क है, पिरामिड है, बॉटल है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है जिनका यूज आप वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं। देन उसके साथ अगर आपको मशीन लर्निंग सीखना है तो साइकिट लर्न लाइब्रेरी और बहुत सारी नम पाई पांडास आपको सीखनी पड़ती है। अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो सीबॉन लाइब्रेरी, मैटप्लॉट लाइब्रेरी फॉर द विजुअलाइजेशंस, इन लाइब्रेरीज को अगर आपको सीखना है। सो अगर आप डेस्कटॉप जीयूआई बनाना चाहते हैं तो आप सीखिए टीक इंटर को। सो आफ्टर लर्निंग द पाइथन बेसिक सिंटैक्स एंड पाइथन लॉजिकल क्वेश्चंस और डेवलपिंग योर लॉजिक, पाइथन के रूल्स सीखने के बाद आपको लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क सीखने चाहिए। सो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क की तरफ डायरेक्ट मत जाइए। नाउ सेवन, इट्स टाइम टू डू अ प्रोजेक्ट। सो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी है, आपने कोई फ्रेमवर्क सीखा है, सपोज आपने जैंगो सीखा है, तो डू अ प्रोजेक्ट इन अ जैंगो। स्टार्ट विथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, लेकिन प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं आपको? डू नॉट क्रिएट प्रोजेक्ट्स लाइक URL शॉर्टनर, YouTube वीडियो डाउनलोडर, दीज आर नॉट प्रोजेक्ट्स गाइज। आप क्या कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में? आप सिर्फ बिल्ट इन लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं, बस उनको कॉल कर रहे हैं, उनको कुछ पास कर रहे हैं आर्गुमेंट्स और वो आपको वो चीज करके दे रहा है। यहाँ पे कहाँ आपने लॉजिक यूज किया? सो ऐसे प्रोजेक्ट्स कीजिए जहां पे आपको लॉजिक यूज करना पड़े। डू प्रोजेक्ट्स इन योर इंटरेस्ट एरिया। सपोज आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कोई वेबसाइट डिजाइन कीजिए, कोई बैकएंड वेबसाइट डिजाइन कीजिए। लेकिन आई सजेस्ट कि जब आप पाइथन सीखते हैं तब आपको लॉजिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। बिल्ट इन चीजें आप जितना कम हो सके उतना कम यूज कीजिए। सो गाइज, ये थी 7 टिप्स जिसका यूज आप करके पाइथन प्रोग्रामर बन सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।